सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ जी सर, देखो ये कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, अगर एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा और वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करो, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा है एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा है। आप क्या करो, पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो और डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, ठीक है, फटाफट निकालो। सर मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बताना जी। आप इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे आप इसको जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा जी सर इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट रहेगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। इसी तरह ये वाला टर्म है, वाई को आप लिखोगे डी वाई बाय डी थीटा एंड ए कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। हाँ जी सर, माइनस साइन बाय कॉस। अब आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म आपके पास बन जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस थीटा। हाँ जी सर, अब आप देखेंगे तो ए ए कैंसल आउट हो जाएगा, डी थीटा कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से डी एक्स बाय डी वाई जो है माइनस टेन थीटा आएगा। आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स जो है माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है सर, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर, क्लोज करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी सर।